तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रूडियस और सेल्फी एक बड़ा सा घर खरीद कर शादी कर लेते हैं, जहां वो अपने सभी चाहने वालों को इनवाइट करते हैं। शादी में ही सबको पता चलता है कि एलिना लीसे सेल्फी की ग्रैंडमा है। जाते जाते एरियल रूडियस से ल्यूक के खिलाफ एक ड्यूल करने को कहती है, पर रूडियस उसे बस 2 सेकंड्स में पेल देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत एक पीसफुल मॉर्निंग से होती है, जब पोस्टमैन रूडियस को एक लेटर लाकर देता है जो उसे पॉल ने भेजा था। उसे खोलते ही रूडियस खुश होकर पढ़ने लगता है। डियर रूडियस, मैजिक यूनिवर्सिटी में मजे कर रहे हो, बहुत कुछ हो चुका है। मैं खुश हूँ कि तुम आगे बढ़ रहे हो। एलिना लीसे से तुमने सुन ही लिया होगा, हम जल्दी ही सैनित को भी बचा लेंगे। अभी हम ईस्ट पोर्ट में हैं और बगैरेथ कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ये जगह डीमन कॉन्टिनेंट के बाद सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। इस मुश्किल वातावरण में ही मुझे आइडिया आया कि मैं आयशा और नॉर्न को तुम्हारे पास भेज दूं। उनकी सुरक्षा के लिए मैंने एक शख्स को साथ भेजा है, तुम उसे जानते हो, उससे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। वैसे आयशा तुम्हारी तरह एक स्मार्ट और केपेबल लड़की है, पर नॉर्न वो तुमसे नफरत करती है और उसकी आयशा के साथ भी नहीं जमती। मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ, उनका ध्यान रखना। फिर रूडियस घर पहुंचकर अपना रोब उतारता है और सोचता है कि इस लेटर में बहुत सी अपोलॉजीज थी और उनका बेटा होने के नाते मुझ पे जिम्मेदारियां आती है। फिर वो शख्स के बारे में सोचता है जिसे पॉल ने लड़कियों के साथ भेजा, पर फिर दूसरे ही पल वो उस ख्याल को टाल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सेल्फी सब्जियां काट रही होती है और एक्साइटेड रूडियस आकर उसे पॉल के लेटर के बारे में बताता है। सेल्फी सबके खैरियत होने की खबर सुनकर खुश हो जाती है। रूडियस कहता है, मेरी बहनें यहाँ आकर हमारे साथ रहना चाहती हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? जो सुनकर सेल्फी और भी खुश हो जाती है। वो कहती है कि इससे घर का माहौल और बढ़िया होगा। रूडियस बहुत खुश होता है, वो चाहता है कि अगर उसके पेरेंट्स भी उनके साथ रहें तो कितना अच्छा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्वादिष्ट डिनर खा रहे होते हैं। रूडियस सोचता है, ओह मैं कितना खुश हूँ, अब मेरे पास एक घर है और मैं रोज उसके साथ बैठकर खाना खाता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो पूछता है, सेल्फी क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? जिस पर सेल्फी सोचकर कहती है, तुम मुझे वो मैजिक क्यों नहीं सिखाते जो तुमने एंट्रेंस एग्जाम में यूज किया था? जिस पर रूडियस कहता है, तुम्हारा मतलब डिस्टर्ब मैजिक? अरे क्यों नहीं, मैं तुम्हें पूरा सिखा दूंगा। जिस पर सेल्फी कहती है कि इसके बदले वो रूडियस को हीलिंग मैजिक सिखाएगी, और इस तरह वो डिनर के बाद एक दूसरे को मैजिक सिखाते हैं। रूडियस उबासी लेता है तो सेल्फी कहती है, हीलिंग मैजिक वॉइसलेस इनकैंटेशन से तो अलग नहीं होना चाहिए, या शायद तुम्हें नहीं पता कि मंत्रों के रिसीविंग एंड पे होना कैसा लगता है। रूडियस कहता है, हो सकता है, मैं दूसरों के मैना को खुद से इंटरफेयर करते हुए महसूस नहीं कर सकता, जबकि ऑफेंसिव मैजिक मेरे रग रग में खून की तरह है। फिर सेल्फी हंस के कहती है, आई एम ग्लैड, चलो कुछ तो ऐसा है जिसे तुम भी नहीं कर सकते रूडी। जो सुनकर रूडियस भी हंस देता है और अपना हाथ आगे करके कहता है, चलो अब तुम्हारी बारी, और वो वाटर कास्ट करता है। सेल्फी अश्लील आवाजें निकालकर उस वाटर बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करने लगती है, पर वो हड़बड़ा जाती है जब रूडियस अचानक पूछता है, सेल्फी क्या हमारे बच्चों के पास भी मैजिक एबिलिटीज होंगी? जिस पर सेल्फी कहती है, वो तो हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक वो पैदा ना हो। वैसे मेरे अंदर इल्फ ब्लड स्ट्रांग है तो शायद दिक्कत हो, अगर मेरे बच्चे नहीं हुए तो तुम एक रखेल रख सकते हो। जिस पर रूडियस उसे यकीन दिलाता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो कहता है कि उसे बस बच्चे नहीं चाहिए, उसे तो उसके प्यार की निशानी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक मैजिक सर्कल को। नाना हुशी बताती है कि अगर ये सर्कल सक्सेसफुल हुआ तो वो अगले स्टेप पे मूव करेगी। ये रूडियस के 1 महीने और नाना हुशी के 2 साल की कड़ी मेहनत का फल था। नाना हुशी खुश दिखती हुई बताती है, ये सर्कल दूसरे वर्ल्ड से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ लाएगी। जिस पर रूडियस कहता है कि बस इससे एक और टेलीपोर्टेशन कैलेमिटी ना हो। जिस पर नाना हुशी यकीन दिलाती है कि ये थियोरेटिकली सेफ है और उसे जितने बड़े ऑब्जेक्ट को समन करना है उतना ही ज्यादा मैना चाहिए होगा, यानी मैजिक भी फिजिक्स के लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। दैट मींस इस वर्ल्ड में मैना हर एक चीज के एग्जिस्टेंस का कारण है। जिस पर रूडियस सोचता है, यानी हवा में पत्थरों को कास्ट करने का मतलब आसपास के मैना को पत्थर में बदलने से है, और इसी एक्सप्लेनेशन के बाद नाना हुशी उसे ये करने को कहती है। जब रूडियस उस पेपर पे हाथ रखकर अपना मैना उसमें डालने लगता है तो सर्कल चमकता है, पर वो फेल हो जाते हैं और वो पेपर एक तरफ से जल जाता है। नाना हुशी कहती है कि ये एक शॉर्ट सर्किट था, एक फेलियर।
नाना होशी डिसअपॉइंट होकर अपने टेबल पर बैठ जाती है और वो उदास होकर जले पेपर को देखती है। फिर नाना होशी रूडियस को आज के लिए शुक्रिया कहती है। रूडियस जाते जाते उसे कंसोल करता है और बाहर चला जाता है। रूडियस सोच रहा होता है कि कैसे नाना होशी आजकल पूरा टाइम टेंशन में रहती है। क्या ये फेलियर उसके मनोबल को तोड़ देगा? नहीं नहीं, नाना होशी बहुत स्ट्रांग है। तभी ऊपर से नाना होशी के चिल्लाने और चीजों के टूटने की आवाज आती है। वो पागलों की तरह चीजें तोड़ रही थी, अपने बाल खींच रही थी और चिल्ला रही थी। रूडियस उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर वो लगातार चिल्ला रही होती है कि उसे घर जाना है। रूडियस देखता है कि नाना होशी की आंखें निराशा में डूब चुकी हैं। वो उसे आराम करने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडियस उसे कंधे पे उठा के हॉल से गुजरता है। दर्जनों आंखें उसे घूर रही होती है। रूडियस आगे बढ़कर ज़नोबा से नाना होशी की मदद करने को कहता है और फिर ज़नोबा उसे गोद में उठाकर मेडिकल ऑफिस ले जाने लगता है। नाना होशी की हालत बिगड़ रही होती है। ज़नोबा कहता है, समझा, तुम इस साइलेंट इसीलिए रिसर्च नहीं कर रही थी कि उन्हें ये पसंद है। तभी जूली कहती है, ग्रैंड मास्टर, आपका फेस अजीब लग रहा है। जिस पर रूडियस उसके सिर पे हाथ फेर कर कहता है, वो इसीलिए क्योंकि शायद मैं बदसूरत हूँ। फिर वो कहता है कि सिल्फी से पूछकर वो नाना होशी को अपने घर में रखेगा ताकि इस दौरान उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। फिलहाल उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। फिर ज़नोबा उसे उठाकर रूडियस के घर लेकर आ रहा होता है। तभी रूडियस पीछे से जूली को पकड़कर उसे गोद में ले लेता है और पूछता है, जूली, क्या ज़नोबा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहा है? जिस पर जूली मुस्कुरा के कहती है, हाँ, मास्टर मुझे बहुत सारा खाना खिलाते हैं। रूडियस सोचता है कि क्या नाना होशी ठीक से खाना खा रही थी? उनकी हालत देखकर तो नहीं लगता। भले ही हम दोनों जैपनीज हैं, पर मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिल्फी नाना होशी के कमरे से बाहर निकलती है और रूडियस को बताती है कि वो ठीक है और उसने हीलिंग मैजिक कास्ट कर दी है। रूडियस उसे शुक्रिया कहता है। फिर सिल्फी उसे नाना होशी के कपड़ों में से मिले एक डैगर को रूडियस की ओर देती है। ये देखकर रूडियस डर सा जाता है और उसे अपने पास रख लेता है। फिर रूडियस ज़नोबा को बताता है कि मिस नाना होशी ठीक है। ज़नोबा कहता है, पर क्या आप ठीक है मास्टर? आपका चेहरा भी मिस साइलेंट जैसा ही लग रहा है। जिस पर रूडियस उसकी बात को टालते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, वो बस मुझे एक अतीत का दर्द याद आ गया जब मैं भी हेल्पलेस और पावरलेस था। ज़नोबा कहता है, खैर जो भी हो, अगर आपको मेरी जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा। फिर हम देखते हैं अगले दिन नाना होशी का चेहरा किसी मुर्दे की तरह हो जाता है। रूडियस उससे कई चीजें पूछता है, जैसे कि क्या उसे भूख लगी है या क्या वो नहाना चाहती है, पर नाना होशी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। और जब वो वहां से जाने लगता है तब नाना होशी धीमी आवाज में कहती है, मुझे लगा था मैंने ये कर लिया। मैजिक सर्कल सर्किट बोर्ड की तरह होते हैं, एक फंक्शन जो कई सर्किट पैटर्न से मिलकर बनता है। पर वो कितनी भी कोशिश कर ले, हर बार एक पार्ट बाकियों से नहीं जुड़ता, जिसका मतलब है कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब है कि उसके वापस लौटने का कोई तरीका नहीं है। और इसी निराशा के साथ वो सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडियस नाना होशी की मैजिक सर्कल बाकियों को दिखाता है और चीजें एक्सप्लेन करता है। क्लिफ उस पार्ट को देखता है जो जला हुआ था और फिर वो अपना भारी दिमाग लगाकर एक हैंडबुक पे पेन चलाने के बाद इस कंक्लूजन पे आता है कि ये इम्पॉसिबल है। पर तभी ज़नोबा ये कहकर सबका ध्यान खींच लेता है, अगर ये मल्टीलेयर्ड हो तो? मैं जिस डॉल पे रिसर्च कर रहा हूँ उस पर बने सर्कल्स कई सारे लेयर्स में कंबाइंड है, पर मैं खुद मैजिक सर्कल्स ड्रॉ नहीं कर सकता। फिर क्लिफ उस रोबोट डॉल को अच्छे से एग्जामिन करता है और इस नतीजे पे आता है कि इसे बनाने वाला एक जीनियस है और उसने ऐसे सर्कल्स पहले कभी नहीं देखे। जिसके बाद बहुत देर तक अपना दिमाग और मुंह चलाने के बाद जब वो परेशान हो जाता है, एलिना ली से उसे गले लगा लेती है। फिर रूडियस पूछता है, सीनियर क्लिफ, अगर हम इस डॉल के टेक्निक को यूज करें तो क्या मिस नाना होशी की समस्या सॉल्व हो सकती है? जिस पर जीनियस क्लिफ इस नतीजे पे पहुंचता है कि उसे नहीं पता, पर शायद काम बन जाए। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी नाना होशी को उसके कमरे में लाते हैं। वो सेटअप को देखकर चौंक जाती है और तभी सभी मिलकर रस्सी से टंगे हुए पेपर को एक लाइन में लाते हैं जिन पर मैजिक सर्कल्स बने होते हैं अलग अलग लेयर्स पर। नाना होशी उन्हें देखती है और चहकने लगती है, अब शायद काम बन जाए। और फिर वो अपने डेस्क पर रखे पेपर्स पे सर्कल्स बनाने लगती है जिसमें उसकी मदद जीनियस क्लिफ करता है। और कई घंटों के मेहनत के बाद वो कई सारे सर्कल्स ड्रॉ करते हैं और जब रात हो जाती है तो वही चद्दर डाल के सो जाते हैं।
फिर कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रूडियस एक के ऊपर एक रखे मैजिक सर्कल स्ट्रॉन पेपर्स में अपना मैना डालता है। इस बार शॉर्ट सर्किट नहीं होता बल्कि एक आंखें चौंधी आने वाली चमक निकलती है, और जब वो रोशनी खत्म होती है तो वहां पर एक प्लास्टिक की बॉटल पड़ी होती है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। क्लिफ हैरान था, ये कैसा ग्लास का बॉटल है जो कि सॉफ्ट है। हालांकि रूडियस और नानाहुशी जानते थे कि ये प्लास्टिक है, पर दूसरों के लिए ये चर्चा का विषय था। नानाहुशी खुश होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे आगे क्या करना है समझ आ रहा होता है। फिर वो रूडियस को थैंक्स बोलती है, जिस पर रूडियस कहता है, ये गिव एंड टेक का सौदा है, नेक्स्ट टाइम जब मुझे जरूरत हो तो मेरी मदद कर दीजिएगा। फिर एलिना ली से नानाहुशी से पार्टी मांगती है, और अगले सीन में हम उन सबको दारू पीते देखते हैं, जूली को भी। नानाहुशी का स्वागत तालियों से होता है। नानाहुशी झुककर उन सबका शुक्रिया अदा करती है। इसी बीच रूडियस सोचता है, मुझे अपने पिछले लाइफ में गैदरिंग पसंद नहीं थी, पार्टीज पसंद नहीं थी, मैं लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता था, पर इस लाइफ में मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में जब भी दो पल चैन के मिले तो उसे खुशी से काटना चाहिए, क्योंकि आखिर जिंदगी दर्द का ही तो दूसरा नाम है। फिर क्लाइमेक्स सीन में हम देखते हैं एक शाम जब रूडियस सेल्फी को अपने कंधे पे लिए घर लौट रहा होता है, तो नॉर्न और आयशा उसके घर का दरवाजा पीट रही थी। तभी उन्हें रूडियस दिख जाता है। आयशा दौड़कर उसे गले लगा लेती है। तभी रूडियस को रुइजिट की आवाज और झलक दिखाई देती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।